स्पोर्ट्स ही ऐसा एक हमारा माध्यम हो सकता है जिसमें हम एंगेज करके रख सकते हैं अपने यूथ की जो एनर्जी है उसे पॉजिटिवली चैनलाइज कर सकते हैं। खेलो इंडिया अभियान में आपने देखा हमने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया, उसके अलावा हमने प्ले फील्ड्स जो गाँव में पीछे तक जो है वो बनवाई गई है, यूथ क्लब्स जो है बनाए गए हैं उसका, और आपके माध्यम से सभी से फिर रिक्वेस्ट है कि स्पोर्ट्स को और बढ़ावा दें। जरूरी नहीं है कि आप मतलब हर चीज़ में अच्छे हो, स्टार्ट करें कोई बात नहीं, जैसा भी ऑर्गेनाइजर ने कहा कि हम भी हारे थे तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है, सीखेंगे जीतेंगे उसमें क्या है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स के माध्यम से हम चैनलाइज कर सकते हैं। जैसा आपको भी पता है कि कैसे बुराइयां हमारे समाज में जो फैल रही है उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। सर देखिए जैसे आपने पहला प्रश्न पूछा, प्रायोरिटी तो साफ है भाई, डिफकॉम का काम होता है पूरे इस प्रोविंस में जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स हैं, रेवेन्यू हो या रोड हो या कुछ भी हो, उन सबको अच्छे से देख रेख करना। इससे पहले मैं रेवेन्यू सेक्रेटरी भी था, उस समय भी मैंने बोला था आप लोगों को, और माननीय उपराज्यपाल महोदय ने भी बोला है। और देखिए जब उन्होंने एक बार बोल दिया कि किन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो कोई शक शंका किसी में रह नहीं जानी चाहिए, मतलब इट्स टोटली अंडरस्टूड बाई ईच एंड एवरीबडी। और अगर कोई इसको नहीं समझ पा रहा है तो आई मीन मैं उसका फिट नहीं कर सकता, बट उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि छोटों को और उनको नहीं तंग किया जाएगा तो नहीं तंग किया जाएगा, रेस्ट अश्योर्ड अबाउट दैट। मेरे पास जैसा मैंने भी कंफर्म किया था ऐसा कुछ नहीं सामने आया, तो जब तक डिटेल्स नहीं होगी तो मैं नहीं उस पर कॉमेंट कर पाऊंगा। एंक्रोचमेंट या स्टेट लाइन प्रोटेक्ट करना हमारा काम है और वो हम करेंगे, अभी हम कंसोलिडेट कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को, जैसे एलजी साहब ने बोला था सबको बताया था, आपके माध्यम से फिर मैं बताना चाहता हूँ सबको, किसी को उसमें डरने की उसकी घबराहट की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये ज़मीन यहीं के लोगों के लिए काम होनी है, उन्हीं लोगों के लिए काम में आनी है, ठीक है, और उसी के लिए ही ये काम किया जा रहा है। सर G20 को ये आपने बहुत अच्छा अगेन प्रश्न पूछा, अभी आप देख रहे होंगे रास्ते में बहुत जगह काम चल रहा है, आपको भी दिमाग में होगा पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, ओके कोई भी देखेगा यही लगेगा, निश्चिंत रहो सारी चीज़ें जो है बिफोर टाइम कंप्लीट कर ली जाएंगी। और आपके माध्यम से फिर बता रहा हूँ कि थोड़ी सी हमें इनकन्वीनियंस हमारे लोगों को भी फेस करनी है क्योंकि काम ज़्यादा चलेगा, तो बस थोड़ी सी शांति रखें, धैर्य रखें, अभी जो जिस तरह से सारा काम जब समझ में आ जाएगा फिर आप हमारा जो शहर है, अभी तो सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई कि हम नंबर 1 आए हैं रैंकिंग में, स्वच्छता रैंकिंग।